हमारे यहाँ डॉक्टरों के पास चले जाइए, क्लिनिक में रात में भी बैठे हैं, दिन में भी बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, 2 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच रहे हैं, मरीज को ठीक नहीं कर रहे बल्कि कह रहे हैं 2 दिन बाद फिर आना। रतनु जी को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। इस दौर में अगर किसी के अंदर 1% भी सनातन जिंदा है, उसे नींद नहीं आएगी। ये उन्हीं में से है। 75 साल में जीडी बख्शी टेलीविजन पे भी और टेलीविजन के भाव सब करते हैं, ऐसे ही लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरी आखिरी सवाल जो आपका हो सकता है वो मैं कहना चाहता हूं, और मैं फिर, मैं पिछले 20 साल जर्नलिस्ट रहा, 12 साल से जीवन का ये सफर है, तब भी उस 20 साल में नेताओं से जितनी जान पहचान न्यूज तक की होनी चाहिए उतनी थी। जिस दिन छोड़ा तब से मैं ना किसी से मिला, जब से मैं ये काम कर रहा हूं न मेरी कोई पार्टी है, न मैं किसी के प्रति सेंटी थी। अगर बहादुर कोई है, उसकी जात क्या है, उसकी पार्टी क्या है, मैं चौराहे चौराहे उसका नाम लेने से शर्माता नहीं हूं कि लोगों को लगता है पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहिए। मैं पॉलिटिकली करेक्ट रह करके उन गद्दारों में मक्कारों में नाम नहीं लिखा, वो बहुत महान थे, ये भी थे वो भी थे, और राहुल गांधी को नशे की हालत में अमेरिका से छुड़ा भी लाए थे, मुझे नहीं आने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 5 साल में 1 दिन, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, 24 घंटे का 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, अर्थात 5 साल में सिर्फ 1 मिनट की विनती आपसे करता हूं, 1 मिनट जीवन का बस। मुझे मत सुनिए, मैं नहीं अच्छा लगता, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात में, शब्द में, मेरे तथ्य में जान हो तो आप फॉलो करें हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, लेकिन 1 मिनट 5 साल में आपसे इसलिए कह रहा हूं, दुनिया का हर काम कीजिए, शाहिद भाई की चाय पीजिए, इरफान भाई की सिवैया खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 5 साल में 1 मिनट जब घर से वोट देने निकलें और बैलेट पेपर को खोलें तो सिर्फ एक ही बात मन में रखिएगा कि मैं सनातनी हूं, बस ये कह के वोट डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इतना ही कहना है कि बहुत सारे विषय में यहाँ लंबा समय नहीं होता, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों बना, वक्फ प्रॉपर्टी कानून क्या है वो क्यों बना, आप तो मंच खाली कीजिए प्लीज। अरे रुक जाइए भाई। तो अल्टीमेटली उसमें आपको उस विषय की पूरी टेक्निकल लीगल जानकारी हो जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी विषय को जान जाए, फिर आप उसका कैसे इस्तेमाल करें, अपनी नॉलेज को इनहांस तो कर लीजिए ना, ताकि आपसे कोई कुछ भी झूठ बोले तो आपको पता तो हो कि नहीं इसके बारे में ये पोजीशन है, ऐसा हुआ था, तब हुआ था, तब हुआ था, पार्लियामेंट में हुआ था, अब ये कानून है। वक्फ प्रॉपर्टी कानून पे एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, जो आप ध्यान से सुने, माए ज्यादा खासतौर से सुने। वक्फ प्रॉपर्टी कानून दुनिया में किसी देश में नहीं बन सकता, लेकिन चाटुकार हिंदू ठेकेदारों की दुकानें, मक्कार आपके राजनीतिक लीडर, दलाल बिके हुए आपके राष्ट्रवादी लीडर पार्लियामेंट में 117 की गिनती में थे तब ये कानून बना। ये कहते ही बहुत लोगों को बहुत बुरा लगता है, किसी को बुरा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 में संसद में कानून बना तब ये 117 थे जो ज्ञान देते हैं हमको 24 घंटे। उस कानून के तहत ये जो पूरा हॉल है, ये जो पूरा राजस्थान में मकान बने हैं, कॉलोनी बनी है, बिल्डिंगें बनी हैं, हर बिल्डिंग का, हर मकान का कोई ना कोई मालिक होगा, उसके उसके पास कागज होंगे, बस एक सेकंड, बस ये उस संसद में ये पास हुआ तब ये 117 थे, इनका मुंह बंद था, इन्होंने पैसा खाया क्या खाया मैं नहीं जानता। उस कानून के तहत आपका जो मकान है वो आपका नहीं है, वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है, उस बॉडी के 2 लोग आपके मकान के बारे में सार्वजनिक भी नहीं करना उनको, सिर्फ वो एक एप्लीकेशन लिख करके प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट दे देंगे, ये जो मकान बना है मैडम कपूर का ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है,
उन लोगों से न कोई कागज़ मांगेगा, न उन लोगों से कोई ये कहेगा आप कोई प्रूफ दीजिए। कोर्ट में संसद में सेक्शन 40, 36, 35 ये कहता है कि आप एक सभ्य नागरिक के नाते अपनी ज़मीन के कागज़ लेके कहीं जाओगे तो नहीं हमारे पास कागज़ है। संसद में कहा गया है कि आप अपने कागज़ लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वह बोर्ड में एक बोर्ड का एक ट्राइब्यूनल बना है, उस ट्राइब्यूनल में पांचों लोग उस वक्फ बोर्ड के हैं और पांचों मुसलमान हैं। आपको अपने मकान की फरियाद उस वक्फ बोर्ड में लगानी है, यानी जिन जो आपके कातिल हैं आप उन्हीं से अपना। और ये कहने के बाद ताजमहल गया, सोमनाथ के मंदिर के पीछे की जमीन चली गई, अंबानी साहब का मकान गया, लेकिन ये देश सुनने नहीं चाहता यहाँ। सुन तो लीजिए। और अभी जो आंध्र प्रदेश ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, भारत की टोटल भूमि में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड जब मैं कहता हूं तो वक्फ बोर्ड एक अलग चीज है, और यू जो रह रहे 22 करोड़ ये अलग रह रहे हैं। आप 95 करोड़ के लिए कहां जमीन, आप चौथे नंबर पे भी नहीं। भारत माता की जय का नारा लगाकर बस हो गया, ये पूछ रहे हैं खत्म क्यों नहीं कर रहे, ये ऐसे पूछ रहे जैसे चाय है कल कर बढ़ाई क्यों नहीं आपने, ये पूछे ना उनसे जिनका ये पट्टा डाले हुए, अभी उनसे भी जाके पूछो यार, वंदे मातरम करते रहते हो कि इसको कुछ बोलो, इसको लोगों को बचा दो। खत्म तो आप ऐसे समझ रहे हैं जैसे मेरे हाथ में क्यों नहीं कर रहा, आप तो खत्म कर दे, आप क्यों नहीं खत्म करवाते, कुछ किया आपने कभी,